और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम देखेंगे फ्रे का मतलब। ठीक है, अब देखो, सिंपल भाषा में जो ये वर्ड फ्रे है ना, ठीक है, इसका मतलब होता है कि घिसना, या फिर घिसा हुआ, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, तो उस जगह पे आप ये जो फ्रे वर्ड है उसको यूज़ कर सकते हो। एंड कभी कभार ये जो फ्रे वर्ड है, ये जब घिसा पीटी होता है, मारपीट होता है ना, ठीक है, झगड़ा दंगा जब होता है, तो उसको भी एक टाइप का फ्रिक्शन ही मानते हैं, मतलब घिसना। ठीक है, तो उस जगह भी ये जो फ्रे वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब बहुत लोग सोचेंगे ये फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन मतलब कोई भी दो चीज़ का टकराव से जो घर्षण होता है, ठीक है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो जब झगड़ा हो रहा है, आपके और आपके ओपोनेंट का जो भी सोच है, ठीक है, जो भी आप दोनों सोच रहे हो, दोनों में टकराव हो रहा है, ठीक है, घिस रहा है आपका दोनों का थॉट्स, इन द सेंस ऑफ दैट। ओके, तो उस जगह के लिए ये फ्रे का वर्ड जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इवन फाइट्स, झगड़ा, इस जगह में भी यूज़ करा जा सकता है। एंड कुछ कोई चीज़ घिस गया है, जैसे मान लो आपका जो घर का अलमीरा है, ठीक है, तो मान लो आप कहीं पे अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो लाते टाइम हो, मतलब वो घिस गया, ठीक है, तो उस जगह भी आप ये फ्रे का यूज़ कर सकते हो, फ्रे। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मार्था जम्प्ड इनटू द फ्रे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है कि मार्था जो है वो झगड़े में कूद पड़ी, या फिर झगड़े में टांग लहराने पहुंच गई, या फिर अपना नाक घुसाने पहुंच गई। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ गैजेट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके डे टू डे लाइफ में आपको प्रोडक्टिव रखने के लिए। ठीक है, एंड लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू वॉन्ट टू बाय वन ऑफ दिस। ऑलराइट, लेट्स बिगन। फर्स्ट जो हमारा है लिस्ट में, वो एक पोर्टेबल टेबल। आपको पता ही है पोर्टेबल टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग नाउडेज, सो आप उसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी। राइट, नाउ द सेकंड थिंग इन आवर लिस्ट इज अ टेबल लैम्प फॉर नाइट रीडिंग पर्पसेस और नाइट वॉकिंग यूज। ठीक है, तो आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो नाइट में, जब आपको एक मिनिमल या फिर सटल अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड हो। थैंक यू, यही तक था हमारा सफर इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक बने रहिए। अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिला तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है।